गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, आज हमारा डे 9 होमवर्क का। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ग्रेजुटी के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। आपने हमको नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करना है याद, ग्रेजुटी के 5 क्वेश्चन, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारा ग्रेजुटी खत्म हो जाएगा। ग्रेजुटी में मैंने आपको टोटल 10 क्वेश्चन दिए थे, इन आप उतना याद करो, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन याद कर लो ग्रेजुटी के। कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने आपको लेबर का रिविजन करने को दिया था ना, कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने हर एक क्वेश्चन लेबर का रिविजन करने को दिया था, राइट। तो आज मैं आपको लेबर के कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपको करके लाने हैं। और उससे पहले इंश्योरेंस क्लेम का कर लेते हैं। इंश्योरेंस क्लेम के अंदर आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चन करने हैं। अभी तक हमने लॉस ऑफ स्टॉक के क्वेश्चन करे थे, आज हम लॉस ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चन करेंगे। 4 ही क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। एक मिनट दे दीजिए। लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 ही क्वेश्चन है जी बुक के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 करिए, क्वेश्चन नंबर 2 करिए एंड क्वेश्चन नंबर 3 करिए। बट सुनिए, चलो यही बहुत है। पेपर में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉस ऑफ स्टॉक, पहली प्रेफरेंस उसको दीजिएगा, और फिर देन इसके बाद इंपॉर्टेंट है लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो लॉस ऑफ स्टॉक के 4 क्वेश्चन, लॉस ऑफ प्रॉफिट के 3 क्वेश्चन, खत्म हो गया चैप्टर। ज्यादा रिविजन करनी है सर हमें, रिविजन। रिविजन में ये बहुत है, इतने क्वेश्चन बहुत होते हैं। आ जाइए, अब बात करते हैं सर किसकी, कॉस्ट अकाउंटिंग लेबर की। तो लेबर में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें ज्यादा क्वेश्चन दूंगा, 4 से ज्यादा दूंगा, क्योंकि लेबर जो चैप्टर है उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, कुछ ही क्वेश्चन को करने में कम टाइम लगता है। लेबर में आ जाइए, सुनिए, लेबर में मेरी बुक के आपके क्वेश्चन करने हैं। 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। सातवां, 9वां क्वेश्चन, 10वां, छोटे क्वेश्चन है, जल्दी और ज्यादा देंगे थोड़ा। पंद्रवा, 19। लेबर में ज्यादा क्वेश्चन इसलिए दिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ज्यादा बड़े हैं नहीं। जैसे हम ओवरहेड चैप्टर में आ जाएंगे तो उसमें कम क्वेश्चन हो जाएंगे, उसमें 3 ही दूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता ओवरहेड चैप्टर में बड़े क्वेश्चन है, ज्यादा हो नहीं पाते। तो इसमें छोटे क्वेश्चन है, सारे आंसर छोटे हैं इसके, इसलिए हम ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर। तो इंश्योरेंस के लिए हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, और धीरे धीरे हम चैप्टर एक एक करके खत्म करते हुए चलेंगे, है ना। और रिविजन अपनी अच्छी करते रहेंगे, रुकना नहीं है, बस करते रहना, जैसे जैसे मिलता है वैसे वैसे करते जाइए, बस अच्छी रिविजन हो जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।